दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 5 दिनों का सीबीआई रिमांड पर भेजा गया। जी हां, आपको चले कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 5 दिनों का सीबीआई रिमांड दे दिया गया है। वह 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में पूछताछ के लिए रहेंगे। सोमवार दिन के 3:15 बजे सीबीआई ने सिसोदिया को रॉज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला में अरेस्ट किए गए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पेश करते हुए सीबीआई ने रॉज रेवेन्यू कोर्ट में 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। स्पेशल सीबीआई जज एमके नागपाल से दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। मनीष सिसोदिया को सीबीआई 5 दिनों का रिमांड दे दिया। इससे पहले कोर्ट को सीबीआई ने बताया था कि मनीष सिसोदिया आबकारी नीति केस में पहले नंबर के आरोपी है व पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे। आज मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने रॉज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया और कोर्ट के सामने ये दलील रखी कि मनीष सिसोदिया जी को रिमांड पर दिया जाए। कोर्ट ने बार बार पूछा कि जब पहली बार आपने मनीष सिसोदिया जी को बुलाया वो आ गए, आपने कल बुलाया वो भी आपके पास आए, पूछताछ आपने की, 5 दिन आपको किस लिए चाहिए? सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं है, बस चाहिए। आज अभी सीबीआई जबरदस्ती की केवल रिमांड लेने की जिद पर अड़ी रही। कोर्ट ने रिमांड 5 दिन के लिए दी है। जिस तरह से आज तक मनीष सिसोदिया जी के घर पर छापा मारने के बाद सीबीआई को कुछ नहीं मिला, बैंक में छापा मारने के बाद कुछ नहीं मिला, गांव पे जाकर के सारा तहकीकात करने के बाद कुछ नहीं मिला, जिस तरह से पूरे देश भर में सैकड़ों जगह पर छापामारी करने के बाद आज तक कुछ नहीं मिला, कल 8 घंटे की जांच पूछताछ के बाद कुछ नहीं मिला, 5 दिन में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज जो खड़ा हो रहा है, जिन तथ्यों को, जिन बातों के आधार पर सीबीआई कह रही है कि हमने गिरफ्तारी इसलिए की कि मनीष सिसोदिया जी ने पॉलिसी में हेराफेरी करी, लेकिन सीबीआई और पूरी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की मोदी सरकार जिसका कंट्रोल, जिसके इशारे पर यह सारा खेल हो रहा है, पूरी भाजपा चुप है, पूरी केंद्र सरकार चुप है, पूरी सीबीआई चुप है, पूरी ईडी चुप है कि जिस पॉलिसी में हेरा फेरी, जिन तथ्यों के आधार पर हेरा फेरी का आरोप लगाया जा रहा है, उस पॉलिसी के निर्माण में अंतिम मोहर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लगाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछताछ क्यों नहीं हो रही? लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्यों नहीं है? इसलिए यह सारा कुछ जो सामने आ रहा है वो इस बात को सबूत दे रहा है, बार बार इस बात की गवाही दे रहा है कि ये घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत, गंदी राजनीति के तहत ये सारा खेल हो रहा है और जिसका शिकार मनीष सिसोदिया जी को बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर एक्साइज पॉलिसी की जांच हो रही होती तो एलजी की भी जांच होती, एलजी को भी बुलाया जाता, एलजी का भी नाम होता, क्योंकि बिना एलजी के परमिशन के, बिना एलजी के मोहर के तो पॉलिसी नहीं फाइनल हुई।